Hey guys, once again welcome to my channel Education Hub. In this video we will do the class 11th history chapter 1 समय की शुरुआत. चैप्टर को स्टार्ट करते हैं समय की शुरुआत से. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मानव कब और किस रूप में अस्तित्व में आया, मतलब जो प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सैपियंस हैं, वो कब, कितने साल, कितने लाख साल पहले और किस रूप में अस्तित्व में आए. पहले वो होमिनिड थे, होमिनाइड थे, प्राइमेट थे, क्या थे, तो ये अब हम पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में पहले कुछ टर्म्स दी गई हैं, वो हमें समझना ज़रूरी है. फर्स्ट टर्म आपकी दी हुई है जीवाश्म. जीवाश्म फ्रेंड्स फॉसिल्स होते हैं जिससे पेट्रोल वगैरह बनता है, काफ़ी समय तक वो ज़मीन के नीचे दबे रहें. तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों व छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं. ये होता है फ्रेंड्स आप लोगों का जीवाश्म. फिर आता है फ्रेंड्स प्रजाति. प्रजाति मतलब स्पीशीज, जीवों का एक समूह होता है. स्पीशीज होती है मतलब जो प्रजाति होती है वो एक जीवों का समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं. उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं. जैसे हम होमो सैपियंस है, ये एक स्पीशीज है. इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी स्पीशीज होती है, उनके नर और मादा मिलकर आगे बच्चे पैदा करते हैं. और फ्रेंड्स आप लोगों की बुक में ये दे रखा है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी. ये स्पीशीज के बारे में है पूरी बुक, अच्छे से स्पीशीज के बारे में इस बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है. तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. और फ्रेंड्स फाइनली हम अपने मेन पॉइंट पर पहुंच गए हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि मानव का विकास कैसे हुआ. तो फ्रेंड्स सबसे पहले उपसमूह है प्राइमेट, एक स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है. प्राइमेट जो है एक स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह, एक बहुत बड़ा समूह है, उसके अंतर्गत एक प्राइमेट नामक उपसमूह है. और इस उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है. तो प्राइमेट में कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स, वानर, लंगूर और मानव. पहले प्राइमेट था, उसके बाद क्या क्या हुआ ये मैं आपको नीचे फ्लो चार्ट में बताऊंगी. होमिनिड बने, होमिनाइड बने. तो फ्रेंड्स प्राइमेट की विशेषताएं हैं कि शरीर पर इनके बाल होते हैं. जो प्राइमेट होते हैं, बंदर, लंगूर, वानर, मानव, इन सबके शरीर पर बाल होते हैं. बच्चा पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में पलता है. माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं. प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं. सभी के दांत एक जैसे नहीं होते. लंगूर के दांत अलग शेप के या थोड़े ज़्यादा नुकीले पैने, इनमें कुछ डिफरेंस होता होगा मानव, लंगूर और वानर के दांतों में. और फ्रेंड्स इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा. सबसे पहले प्राइमेट उपसमूह बना, उससे होमिनाइड समूह बना, होमिनाइड से होमिनिड समूह बना, और होमिनिड उपसमूह से काफ़ी सारी स्पीशीज बनी, बट 2 मेन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज बनी. टू मेन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज थी आप लोगों के ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो. इसकी स्पीशीज थी बहुत सारी, डिफरेंट, बट 2 मेन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज इसकी जो थी वो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो थी. फिर होमो को आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं होमो का, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स और होमो सैपियंस. तो आगे हम इसके बारे में इन सारे टर्म्स को अच्छे से इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि इन्हें हम समझ सकें. प्राइमेट हम कर चुके हैं तो अब हम करेंगे होमिनाइड. सो फ्रेंड्स होमिनाइड जो थे वो 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह का उद्भव हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं. वानर इसमें शामिल थे बट फिर भी ये बंदरों से थोड़ा भिन्न थे. किस तरीके से, शरीर बंदरों से बड़ा था और इनकी पूंछ नहीं होती थी. और फ्रेंड्स अब होमिनाइड के बाद बारी आती है होमिनिड की. होमिनाइड उपसमूह से ये विकसित हुए जैसा कि मैंने आपको पीछे फ्लो चार्ट पे बताया था. होमिनिड और होमिनाइड में अंतर ही एग्जाम में कई बार आ जाता है, होमिनाइड और होमिनिड. तो फ्रेंड्स होमिनाइड जो है उनसे होमिनिड बना है. जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, पहले था आप लोगों का प्राइमेट, फिर होमिनाइड, उसके बाद बना था फ्रेंड्स आप लोगों का होमिनिड.
इसकी कुछ डेवलपमेंट थी, इसमें कुछ डेवलप हुआ तब ये बना। तो फ्रेंड्स, होमिनाइड का जो मस्तिष्क था वो होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था, और होमिनिडों का जो मस्तिष्क था, ब्रेन था, वो बड़ा होता था। होमिनाइड चौपाए थे, चारों पैरों के बल चलते थे, जबकि होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। और होमिनिड के पैरों सॉरी हाथों में सक्षमता आ गई थी कि वो किसी चीज़ को पकड़ सके, इस कारण वो औजार बनाने में भी सक्षम हो गए थे। और फ्रेंड्स, होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ, ऐसा दो रीजनों से माना जाता है। ये आ सकता है 2 मार्क्स में कि ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसे 2 साक्ष्य प्रस्तुत करें जिनके कारण ऐसा माना जाता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। तो इसके 2 रीजन्स, अफ्रीकी जो वानर है फ्रेंड्स, उनका समूह होमिनिड से बहुत गहराई से जुड़ा है, उनके अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं होमिनिड में और अफ्रीकी वानरों में। और दूसरा फ्रेंड्स, जो प्राचीन होमिनिड के जीवाश्म मिले हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के मिले हैं, और वो हमें अफ्रीका से ही मिले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम होमिनिड की विशेषताएं भी कर लेते हैं। होमिनिड की विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होमिनिड कहलाते हैं। इनका मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, पैरों के बल सीधा खड़े होकर चलने की क्षमता होती है, हाथ की विशेष क्षमता हो जाती है कि वो औजार बना सकते थे। और फ्रेंड्स, अब हम प्राइमेट, होमिनाइड और होमिनिड कर चुके हैं, अब आता है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो में अंतर। सो फ्रेंड, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद होमो आए, नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो दोनों ही, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो दोनों ही होमिनिड नामक उपसमूह से बने थे, ये दोनों उसकी स्पीशीज हैं। तो इनके अंदर कुछ डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का मस्तिष्क जो है वो होमो से छोटा होता था, जबकि होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के जबड़े भारी होते थे, जबकि होमो के जबड़े ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से कम भारी होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के दांत बड़े होते थे, जबकि होमो के दांत सामान्य होते थे, ये डिफरेंस भी आ सकता है। और फ्रेंड्स, अब हम अपने टर्म ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स 2 शब्दों के समूह से बना है, लातिनी भाषा का शब्द ऑस्ट्रल जिसका अर्थ है दक्षिणी, और यूनानी भाषा का शब्द पिथिक्स जिसका अर्थ है वानर, से मिलकर बना है। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच सकते हैं कि इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेक्स क्यों था, क्योंकि फ्रेंड्स इसका नाम यह इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें अभी भी अनेक लक्षण वानरों वाले रह गए थे, कुछ ऐसे लक्षण रह गए थे इसमें जो बंदरों से समान थे। और वह लक्षण कौन कौन से थे, होमो की तुलना में छोटा मस्तिष्क था, दांत बड़े थे, और हाथों की दक्षता सीमित थी, ये सीधे खड़े होकर चलने की सीमित क्षमता थी, पूरा ठीक तरीके से नहीं चल पाते थे, और ये अपना अधिकतर समय पेड़ों पर ही गुजारते थे। और फ्रेंड्स, लास्ट आता है आप लोगों को होमो, लातिनी भाषा का शब्द है होमो जिसका अर्थ है आदमी, इसमें स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। और होमो की प्रजातियां जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स और होमो सैपियंस। होमो हैबिलिस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो औजार बनाने वाले थे। होमो इरेक्ट्स सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे, और होमो सैपियंस चिंतनशील मनुष्य। इन तीनों के ही जीवाश्म हमें अलग अलग देशों से प्राप्त हुए, वो आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी। कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।